अब देखिए हस्की रखने की हसरत तो सबकी है और मेरे को एक दिन में अनगिनत लोगों के कॉल आते हैं दैट तेजस भैया हस्की रखना है, बट 99% ऑफ दोज मैसेजेस इस प्रकार के होते हैं, बस हस्की लिखा रहता है दैट भैया हस्की चाहिए, बट 1% जो लोगों के मैसेज होते हैं वो इलैबोरेटेड होते हैं। और जितने भी नए हस्की ओनर्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाली है। और अगर आप लोग भी हस्की रखना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड हैं दैट किस वेरिएशन का रखना चाहिए, किस कलर का रखना चाहिए, किस कोट का रखना चाहिए, मेल आपके लिए या फीमेल आपके लिए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दैट हस्की किन किन वेरिएशन में आते हैं। देखिए मेल और फीमेल की वेरिएशन तो सबको पता है, बट हस्कीज में भी आगे टाइप्स ऑफ कोट्स होते हैं, कोट्स के कलर्स होते हैं, फेस की अलग अलग मार्किंग्स होती हैं और आई कलर्स में भी डिफरेंस आता है। तो इस वीडियो में मैं ये आपको 4 मेजर डिफरेंसेस बताने वाला हूँ दैट हस्की लेते हुए आप लोगों को क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए इन 4 वेरिएशंस में से 3 वेरिएशंस तो टोटली आपकी प्रेफरेंस और आपके टाइप ऑफ चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें से सबसे पहला है दैट आपको कौन से कलर का हस्की चाहिए, दूसरा आपको कैसी की आईज चाहिए, तीसरा आपको फेस पे मार्किंग कैसे की चाहिए, बट चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा लोग भूल जाते हैं वो ये है दैट हम लोगों को किस प्रकार का कोट लेना है जो हमारे यहाँ पे कंफर्टेबली जी सके। आप सबने सुना होगा दैट क्या हस्कीज इंडिया में सर्वाइव कर पाते हैं, उसका भी मोटा मोटा जवाब मैं दे दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखो। और अब मैं आपको मेन डिफरेंसेस बताता हूँ हस्कीज में क्या होते हैं। अब सबसे पहले कोट्स में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कोट के बारे में, इसे लोग सिंगल कोट भी बोल देते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा अडेप्टिव कोट मैं इसको बोलूंगा बिकॉज ये गर्मी में भी और सर्दी में भी दोनों ही मौसम को अच्छे से झेल लेता है। अब इस कोट की अगर हम डेंसिटी की बात करें और लेंथ ऑफ हेयर की बात करें तो वो दोनों के दोनों छोटे और कम रहते हैं। मैं आपको इस बच्चे से मिलाता हूँ, ये बच्चा स्टैंडर्ड कोट का है एंड ये राजस्थान जोधपुर जा रहा है। अब इनके जो ओनर हैं महेंद्र जी, जिनका मेरे को मैसेज आया था, कॉल आया था, उनको हस्की का शौक बहुत है बट वो चाहते थे ऐसा एक बच्चा जो उनके एनवायरनमेंट में जाके भी ढल ले और उसको कोई दिक्कत ना आए। तो ये भाई साहब हमारे जोधपुर जाने वाले हैं जो कि काफ़ी हॉट सिटी है एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड कोट। ये कोट अगर आप पास से देखेंगे तो इसका जो लेंथ ऑफ द हेयर है और जो डेंसिटी है ये आपको कम दिखाई देगी एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइप ऑफ कोट विच इज अवेलेबल विद अस इन इंडिया। ये भाई साहब जिनका नाम स्काई है ये दिल्ली जाने वाले हैं हमारे यश भाई साहब के पास, और ये भाई साहब जिनका नाम चेज है ये जोधपुर जाने वाले हैं हमारे महेंद्र भाई साहब के पास। अब दिल्ली और जोधपुर में एक सिमिलैरिटी तो भैया 100% है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ये वाला जो कोट रहता है दैट इज द स्टैंडर्ड कोट ऑफ साइबेरियन हस्कीज इज द मोस्ट अडेप्टिव इन हॉट टेम्परेचर। स्टैंडर्ड कोट से ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं सेमी वूली कोट की ओर। अब वूली से आपके दिमाग में क्या आता है, WOOL, वूल यानी ऊन। ऊन का मतलब होता है डेंस, जो बकरियों भेड़ बकरियों पर आपने देखा होगा वूल होती है, ऊन वहीं से आती है बाय द वे, तो उसी से ये टर्म डिराइव हुई है वूली, एंड वूली के नीचे आता है सेमी वूली। ये बच्चा हमारा सेमी वूली कोट में है, दैट इज इसका जो फर है वो इतना डेंस नहीं है, हाँ पर इतना भी कम नहीं है कि हम इसको स्टैंडर्ड कोट के साथ कंपेयर कर सकें। ये कोट उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा थिक फर का साइबेरियन हस्की चाहिए एंड उनके लिए एसीज कूलर्स प्रोवाइड करना कोई बड़ा हैसल नहीं है, अपने घर में रख सकते हैं आप साइबेरियन हस्कीज को एंड इन बच्चों को एक कंफर्टेबल कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते इवन इन हॉट सिटी एंड हॉट एटमॉस्फेयर। तो ये भाई साहब से मिल लीजिए एक बारी। इन भाई साहब का नाम पैंथर है, ये ओडिशा जाने वाले हैं एंड हमारे सागर भाई इनके ओनर हैं एंड उनके हिसाब से वो इसका बेस्ट टेक केयर कर सकते हैं बिकॉज उनका जो घर है वो 110% एयर कंडीशनड है एंड अंदर भाई साहब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूल रहने वाले देखो अब यहाँ पंजाब में भी गर्मी हो चुकी है, आप देखो मेरे को पसीना आ रहा है, गर्मी है पर लुक एट हिम ही इज़ टोटली एक्टिव। अगर कोई बच्चा सर्वाइव नहीं कर पा रहा, उसको दिक्कत आ रही है सांस लेने में, अपने आप को कूल करने में, तो वो इतना एक्टिव और इतना प्लेफुल नहीं हो सकता है। सो इट इज़ अ मिथ दैट सेमी वूली कोट के बच्चे भी इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। अब थर्ड टाइप ऑफ कोट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ द वूली कोट, जो सबसे ज़्यादा डेंस एंड लॉन्ग हेयर में बनते हैं एंड इनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी थिक एंड शेडिंग ज़्यादा वाले होते हैं, बट ये उन लोगों के लिए जिनको पूरा फ्लफी एकदम टेडी बियर जैसे साइबेरियन हस्कीज पसंद है। अब इन दोनों भाई साहब से आपको मैं मिलवा देता हूँ। अब ये दोनों के अगर आप बाल देखें, अभी मैं कंपेयर करवाता हूँ आपको, सारे के सारे कोट्स आपको मैं एक साथ एक फ्रेम में लेकर आगे दिखाऊंगा दैट मेन डिफरेंस क्या होता है। सो ये वूली कोट है, अब मैं आपको तीनों में क्या डिफरेंस है वो दिखाता हूँ और साथ में एक बीगल को भी लाया हूँ मैं आपको दिखाने के लिए दैट भाई साहब जो नॉर्मल शॉर्ट कोट की ब्रीड्स हैं उनके साथ हस्की ये कैसे कंपेयर करते हैं। अब ये तीन बच्चे हमारे पास हैं जिनमें आपको तीनों के तीनों कोट्स आपके सामने दिखाई दे सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड कोट, दिस इज द सेमी वूली एंड दिस इज द कंप्लीट वूली। अब हमारा जो सेमी वूली वाले भाई साहब हैं इन दोनों से उम्र में थोड़े से बड़े हैं इसलिए आपको थोड़े से फ्लफी दिखेंगे, बट आई एम डैम श्योर कि हमारे जो वूली कोट वाले भाई साहब हैं जब इस उम्र में आ जाएंगे तो वो इनसे भी ज़्यादा फ्लफी बनेंगे। अभी आप कोट्स देख सकते हो, दिस इज द स्टैंडर्ड कोट, देखना छोटा कोट है। उसके बाद ये वाले भाई साहब हमारे सेमी वूली
एंड ये वाले हमारे पूरे बुली। ध्यान से नोटिस करना दैट जो मेरा फिंगर है वो कितने डेप्थ में जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस मच। इन भाई साहब की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली भी अगर इनके बाल की लेंथ देखूँ मैं तो इतना बाल मेरा इसका इतना अभी फिलहाल लेंथ है। और अगर हम हमारे वूली भाई साहब की बात करें तो इनका जो बाल का आप देख रहे हो ये देख रहे हैं मेरा उंगली पूरा इतने तक अंदर जा रहा है और ये अभी भाई साहब छोटे हैं। तो जब इस उम्र में आएंगे तो हम डैम श्योर दैट इनकी जो लेंथ है वो इतनी इतनी चले जाने वाली है। बट मीन वाइल ये कोट्स की बात थी एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट द अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट द कलर। अब भैया ये तो बात हो गई हमारे कोट्स के बारे में, पर अगर हम कलर्स की बात करें तो इस कलर को हम लोग बोलते हैं कॉपर एंड व्हाइट। ये जो हमारा कलर है इसे बोला जाता है ब्लैक एंड व्हाइट और इस कलर का नाम रहता है ग्रे एंड व्हाइट। एक टाइप ऑफ कलर और भी होता है जिसे हम प्योर व्हाइट कहते हैं, उसकी वीडियो मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ। और उसके बाद एक और टाइप जो कि बिल्कुल रिवर्स मार्किंग के साथ आता है उसे अगूटी बोला जाता है, बट वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल की कन्वर्सेशन है अबाउट साइबेरियन हस्कीज। कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये सारे कलर्स आपके सामने हैं, दिस इज ऑल्सो योर प्रेफरेंस, आप लोगों की प्रेफरेंस है दैट आप कौन सा कलर पसंद करना चाहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आईज के बारे में। काफी लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कौन से कलर की आईज हम लोगों को लेना चाहिए एंड येट अगेन दिस इज योर प्रेफरेंस। इसका ब्रीडिंग स्टैंडर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, ये टोटली आपकी चॉइस होती है। स्टार्टिंग में करना चाहूंगा ब्लैक आईज के साथ, मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ। जिन्होंने तो मेरी वडोदरा वाली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने ब्लैक आईज का बच्चा दिखाया था। एंड उसके बाद आती है हमारी ऑड आईज। अब जो सबसे लेफ्ट साइड में हमारे भाई साहब है और जो हमारे सबसे राइट साइड में भाई साहब, इनको बोला जाता है, इन दोनों बच्चों को बोला जाता है ऑड आईज। भैया आप नीचे रहो अभी थोड़ा सा। इन दोनों को बोला जाता है ऑड आईज, जिसमें एक आंख का कलर अलग होता है और एक आंख का कलर अलग होता है। ऑड कम्स फ्रॉम ऑड एंड इवन, मैथ्स तो पढ़ी होगी सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में, ऑड इवन सिखा देते हैं। 2, 4, 6, 8 इनको इवन बोला जाता है एंड 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 को ऑड बोला जाता है। तो उसी प्रकार से ऑड आईज यहाँ से डेवलप हुई है, दैट एक कलर अलग है और दूसरा कलर अलग है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लू आईज के बारे में। अब ये तीनों हस्कीज जो मेरे हाथ में हैं इनकी आईज ब्लू हैं, यानी कि जो दोनों कलर हैं आंखों का वो ब्लू कलर का होता है। कई बार मैंने देखा है दैट जो ब्लू कलर है वो व्हाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है आगे जाके, जिसको ईगल आई भी बोला जाता है, बट ये हर एक केस में नहीं होता। जो तो डार्क ब्लू आईज होती है वो ब्लू ही रहती है, जो हल्का सा लाइट ब्लू की तरफ शेड जाता है वो आगे ज्यादा चांसेस रहते हैं ईगल आई बनने का, बट वो भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है लोगों को। एंड लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, हस्कीज अगर आप रख रहे हो तो हर 6 से 7 महीने में आपके हस्कीज का आंखों का जो कलर का शेड है, कलर नहीं जो शेड है, वो चेंज होगा ही होगा। इट डज नॉट रिमेन द सेम, बट फिलहाल आप लोग ब्लू आईज देख लीजिए, दैट ब्लू आईज किसे कहा जाता है। कई लोगों को ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बट कई लोगों को ऑड आईज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बट येट अगेन देयर आर पीपल जो मेरे को डिमांड करते हैं दैट भैया नॉर्मल आईज के बच्चे ही चाहिए, एम्बर आईज के बच्चे चाहिए। तो ये था हमारा आईज का सिलेबस। इसके बाद जो डिफरेंशिएशन आती है वो आती है मार्किंग में। अब मार्किंग होती है जो हमारे डॉग के मजल से लेकर फोरहेड, यानी कि कानों से पास, कानों के नीचे तक जो आपको पैटर्न दिखाया जाता है कलर्स का, उसे मार्किंग बोलते हैं। अब अगर हम इस बच्चे की मार्किंग की बात करें तो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा था एक बड़ा ट्राइडेंट है और साइड पे दो लकीरें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो इसके केस में थोड़ा सा छोटा है, बट जो सेंटर वाला टीका है वो थोड़ा लंबा है। अगर हम इस बच्चे की बात करें तो इसका ट्राइडेंट बिल्कुल परफेक्ट शेप में आप देखिए, प्रॉपर, इसे ट्राइडेंट मार्किंग बोलते हैं। जैसे शिवजी का त्रिशूल होता है उसी प्रकार की मार्किंग आपको फोरहेड पे दिखाई जाती है। अगर अलग अलग मार्किंग की बात करें तो फ्लेम वाली मार्किंग भी आती है एंड बिल्कुल विदाउट मार्किंग वाले डॉग्स भी आते हैं। एंड जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया था अगोटी डॉग्स भी आते हैं, उसमें मार्किंग बिल्कुल रिवर्स होती है। अब इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा एंड आई रियली होप दैट नेक्स्ट टाइम जब आप लोग मेरे को मैसेज करोगे सो एक पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ मेरे को मैसेज करेंगे दैट भैया हमें इस टाइप ऑफ कोट में ये कलर के साथ ये आईज का कलर एंड साथ में मेल या फीमेल चाहिए, है ना, नहीं तो काट देंगे ना, ठीक है। ये तो प्यार करता है पूरा बेस्ट डॉग ब्रीड। मैं देखो ये टाइप ऑफ हस्कीज वाली वीडियो तो मैंने बहुत देर से बनानी थी एंड ये सारे बच्चे इकट्ठे करने की वजह से ही मेरे को टाइम लग गया एंड बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे भैया आप लोग वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, 8-9 दिन हो गए आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो भैया इन सबको एक जगह पे साथ में इकट्ठा करना वॉज अ डैम डिफिकल्ट टास्क, बट somehow we succeeded and आप लोगों के लिए देखो ना थोड़ा मेहनत करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब आप लोग बच्चे तो रखोगे एंड कम से कम 15 से 20 साल के लिए रखोगे, तो ये वीडियो से अगर किसी की कन्फ्यूजन दूर हो जाती है तो आई वुड से दैट मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ज़रूर से पूरा हो गया। सो अब इससे पहले कि ये सारे के सारे हस्कीज मेरी गेम पर जाते हैं तो भाई साहब इनको हम फटाफट ले जाते हैं एंड इनको थोड़ा सा खाना वाना खिला के इनको रेस्ट कर देते हैं बिकॉज दे आर द शो स्टॉपर्स जिनकी वजह से ये वीडियो बनी है। अब देखिए ये वूली कोट है, जस्ट नोटिस कि मेरी फिंगर्स कितना डेप्थ में जा रही हैं इसकी स्किन में। ये हमारे सेमी वूली कोट वाले भाई साहब हैं, बच्चा ध्यान से, ये है हमारे स्टैंडर्ड कोट एंड ये है एक स्टैंडर्ड बीगल जिसका स्किन
और जिसका कोट सबसे ज़्यादा छोटा रहता है। अब अगर मैं इन दोनों में भी कंपैरिजन करूं, आप इन दोनों को ले लो, इसको इन भाई साहब को भी ले लो, इनको भी ले लो, हाँ, अब अगर एक स्टैंडर्ड कोट ऑफ हस्की वर्सेस अ नॉर्मल बीगल करें हम, जो कि बीगल जिसमें सबसे छोटी शॉर्ट कोट की ब्रीड है एंड छोटे छोटे बाल रहते हैं भाई साहब के, अगर इनको भी मैं कंपेयर करूं तो भी आप देखिए दैट हस्कीज का फर कम नहीं है, स्टैंडर्ड कोट इज़ नो लेस। स्टैंडर्ड कोट का भी फर बहुत ज़्यादा होता है और शेडिंग भी होती है। तो मतलब जितने लोगों को लगता है दैट स्टैंडर्ड कोट यार ये तो बिल्कुल फ्लफी नहीं होते, वो गलत हैं। जितने भी ब्रीडर्स ये बात फैला रहे हैं दैट स्टैंडर्ड कोट और वूली कोट में सिर्फ सॉफ्टनेस का फ़र्क होता है, भैया ताला लगा दो अपने कैनल पे, ये बिल्कुल सच नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द हेयर एंड द डेंसिटी ऑफ द कोट, ठीक है, ये लिख लो बात को। अब इन दोनों को ध्यान से देख लो आप, ये हमारा स्टैंडर्ड कोट है, लुक एट द हेयर, देख रहे हो, एंड ये हमारे बीगलू भैया हैं, ये देखो कोट में बिल्कुल भी हाथ नहीं जा रहा है। इसे बोला जाता है शॉर्ट कोट, इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड कोट। स्टैंडर्ड कोट में भी बाल होते हैं एंड इनका कोट बिल्कुल भी रफ नहीं होता, ठीक है, चलो ख़त्म वीडियो।